वाणी सर्टिफिकेट कोर्स। क्या आपने ये नाम कभी सुना है? अगर आपका संबंध आकाशवाणी से है तो आप इस वाणी परीक्षा के बारे में जरूर जानते होंगे। भारत सरकार और प्रसार भारती की एक बहुत ही अच्छी योजना थी ये सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने की। 1987-89 से लगातार आकाशवाणी में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले कैजुअल्स और आगे ऑडिशंस पास करके आने वाले नए प्रस्तुतकर्ताओं के लिए भारत सरकार का एक 5 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया। कहा गया कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप देश के किसी भी केंद्र में जाकर बिना ऑडिशन दिए सीधे अनाउंसमेंट का काम कर सकते हैं। ऐसे उद्घोषक जो शादी या नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाते उनको इसका बहुत फायदा मिलने लगा। हालांकि 19-20 सालों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों की उद्घोषणा के अलावा सारे काम संभालने वाले इन कैजुअल्स को जो औपचारिकता निभाने वाली ट्रेनिंग दी गई, ऐसी ट्रेनिंग वे खुद देने की स्थिति में थे, लेकिन उपलब्धि थी एक सरकार प्रदत्त सर्टिफिकेट। इसको और वाणी सर्टिफिकेट से संबंधित एक किताब पाने के लिए हर उद्घोषक को अपनी 8 घंटे की एक ड्यूटी से प्राप्त कमाई का करीब 3 गुना पैसा भी जमा करना पड़ा। हर केंद्र में नए ऑडिशंस के लिए आने वाले नए प्रतिभागियों से 300 रुपए का ड्राफ्ट लेना तो पहले से ही नियम में था, जिसमें हजारों रुपए प्रसार भारती को मिलते ही थे। इन प्रतिभागियों में से चंद सफल उम्मीदवार उद्घोषक या कंपेयर के रूप में चयनित होते थे, तब इनसे 3,000 से 5,000 रुपए वाणी सर्टिफिकेट कोर्स के पैसे लिए जाते थे। 5 दिन के इस खानापूर्ति पाठ्यक्रम के बाद 300 रुपए में एक किताब दी जाएगी, ये कहकर लिए जाते थे, जो आज तक अनेकों को अनुपलब्ध है। इतना खर्च करने के बाद एक राहत, सरकार द्वारा उनकी वाणी को सर्टिफाई करने वाला प्रपत्र। अब बात करें आज की। महानिदेशालय और प्रसार भारती ने इन सारे पुराने सर्टिफिकेट्स को अमान्य घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि सारे कैजुअल्स को एसआईनी बनाने की कवायद में हर उद्घोषक को 2 साल की सीमा में बांधने की नई नीति अधिकारियों ने पारित कर दी है, वो भी उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट से प्रसार भारती को यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत मिली हुई है। अब सरकार द्वारा प्रदत्त वाणी सर्टिफिकेट प्राप्त उद्घोषकों को अमान्य करने की कोशिश में लगी है प्रसार भारती। वैसे देखा जाए तो देश के सैकड़ों रेडियो स्टेशंस के हजारों उद्घोषकों से प्राप्त 3,000 से 5,000 रुपए एकत्र करने का ये सिलसिला करोड़ों रुपए का घोटाला माना जा सकता है। जरा चिंतन कीजिए इस बात पर, मनन भी कीजिए।